अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डाउन सेल। डाउन सेल बेसिकली एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जिसके थ्रू सोडियम मेटल को प्रिपेयर करते हैं हम। ठीक है, अब सोडियम मेटल बेसिकली एलिमेंटल स्टेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, वो बेसिकली कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। लाइकवाइज जो मोस्ट कॉमन टाइप होती है जो सोडियम मेटल की, वो NaCl होती है, सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं। तो आपने क्या करना है कि सोडियम क्लोराइड से सोडियम को आपने प्रिपेयर करना है, उसके लिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज होते हैं उसको आप कहते हैं वो डाउन सेल होते हैं। अब डाउन सेल को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे किसी कंस्ट्रक्शन के ऊपर, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं डाउन सेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये नजर आ रहा होगा, ये एक आयरन बॉक्स होते हैं, ये आउटसाइड होते हैं और साथ में इसमें फायर ब्रिक्स भी होती हैं। इसके साथ आपको नजर आ रहा होगा ये फायर ब्रिक्स भी होती हैं। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके सेंटर के अंदर ग्रेफाइट एनोड होते हैं और एक सर्कुलर आयरन कैथोड इसके साथ होते हैं, और एनोड और कैथोड के दरमियान सेपरेशन होती है और उसको हम कहते हैं आयरन स्क्रीन। ये सेपरेशन आपको नजर आ रही होगी एनोड और कैथोड के दरमियान में। तो ये बेसिकली उसके कंपोनेंट्स होते हैं। जब भी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं तो उसमें एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। इस केस में ग्रेफाइट एक्ट करते हैं एज अ एनोड और आयरन एक्ट करते हैं एज अ कैथोड, और सेंटर में इन दोनों की सेपरेशन के लिए आपको स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन को आप कहते हैं वो आयरन स्क्रीन होती है। और ये आयरन स्क्रीन क्या करती है, एनोड और कैथोड को सेपरेट रखती है, एनोड एनोड के कंपार्टमेंट को कैथोड कंपार्टमेंट से सेपरेट रखती है। अब इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, आपके पास जो जिसके थ्रू आप एक्सट्रैक्ट करते हैं सोडियम मेटल, वो सोडियम क्लोराइड होता है और साथ में उसमें कैल्शियम क्लोराइड थोड़ी सी अमाउंट ऐड करते हैं ताकि उसका मेल्टिंग पॉइंट वो थोड़ा सा कम हो जाए। यहाँ से आप सोडियम क्लोराइड बेसिकली इंटर करते हैं सेल के अंदर, डाउन सेल के अंदर, और सोडियम क्लोराइड जैसे आप इंटर करते हैं ये सेल के अंदर आ जाते हैं। अब बेसिकली वो मोल्टन स्टेट में आप इसको इंसर्ट करते हैं और वो आयन्स के फॉर्म में होते हैं, इन्हें पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन्स के फॉर्म में होते हैं, या फिर जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो वो डिफरेंट आयन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब दो आयन्स आपके पास बेसिकली सॉल्यूशन में होते हैं, एक Na पॉजिटिव आयन होते हैं और एक Cl नेगेटिव आयन्स होते हैं। अब इसमें से आपको पता है एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है। अब Na पॉजिटिव है, अब Na की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, मतलब इसकी क्या होती है, रिडक्शन होती है। तो ये बेसिकली रिडक्शन जहाँ पे भी होती है वो कैथोड के ऊपर होती है, तो जो Na पॉजिटिव आयन्स होते हैं ना ये कैथोड के ऊपर जाएंगे, जबकि एनोड के ऊपर आपके पास ऑक्सीडेशन होती है और जो Cl नेगेटिव आयन्स होते हैं इनकी टेंडेंसी होती है, जैसे ये Cl नेगेटिव है, ये Cl नेगेटिव है, ये Cl नेगेटिव, इन सब की टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन, और ये Cl नेगेटिव मूव करते हैं टुवर्ड्स ग्रेफाइट एनोड और यहाँ पे जाके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हम बेसिकली देखेंगे कि सोडियम जो आयन्स होते हैं मूव करते हैं टुवर्ड्स कैथोड, और जो क्लोराइड आयन्स होते हैं ये मूव करते हैं टुवर्ड्स एनोड। ये जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं उसके बाद आयन्स माइग्रेट करते हैं, आप ये देख सकते हैं कि जो सोडियम आयन्स होते हैं ये मूव करते हैं टुवर्ड्स कैथोड और क्लोराइड आयन्स मूव करते हैं टुवर्ड्स एनोड। अब इसके लिए हम इसके रिएक्शन की बात करेंगे, तो रिएक्शन रिएक्शन के अंदर सोडियम दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और सोडियम मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, 2Na प्लस 2 नेगेटिव 2Na, और ये लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। Cl नेगेटिव आयन्स होते हैं और वो Cl के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, Cl टू टू Cl नेगेटिव आप ले सकते हैं। और ये बेसिकली आपके पास जो सोडियम होता है वो कलेक्ट होता है एट कैथोड, और जो क्लोरीन गैस होती है वो एनोड के ऊपर क्या होती है, कलेक्ट होती है। अब इसके बाद बेसिकली क्या होता है, ये आपके पास कंपार्टमेंट नजर आ रहे होंगे, ये जो आपके पास एक लेबल से नजर आ रहा होगा ये आपके पास लिक्विड सोडियम एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, और इसको आप मोटर के थ्रू विड्रॉ कर लेते हैं सेल से। ये आपने विड्रॉ कर लिया सोडियम मेटल को और ये प्योर फॉर्म है सोडियम मेटल, और यहाँ पे क्या होती है वो ऑब्टेन हो जाती है, जबकि क्लोरीन जो होती है वो क्लोरीन गैस के फॉर्म में यहाँ से क्या कर रही होती है, एनोड कंपार्टमेंट से लीव कर रही होती है। तो ये बेसिक रिएक्शन होते हैं जो कि डाउन सेल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फर्दर अगर आपका इस टॉपिक रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।